नमस्कार, मैं आपका टॉप रिपोर्टर में स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में मेरे पास आप सभी स्टूडेंट के लिए कुछ अच्छी खबर है। तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के रिगार्डिंग। टोटल जो है अभी 26 मेडिकल कॉलेज जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं पूरे भारत में, उसी के रिगार्डिंग मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। एक और खबर यह है कि आज जो है MBBS की सीट 70,000 क्रॉस हो चुकी है पूरे इंडिया में, यानी 2019 के एकेडमिक ईयर में 70,000 MBBS सीट रहेगी। यानी आप में से 70,000 स्टूडेंट को इस साल कंफर्म एडमिशन मिल जाएगा MBBS में। उत्तर प्रदेश के स्टेट में 7 मेडिकल कॉलेज जो है इस साल ऐड हुए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में 4 गवर्नमेंट कॉलेज जो है ऐड हुए हैं। वेस्ट बंगाल में 4 मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं। मध्य प्रदेश में 3, तेलंगाना में 2 मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं। ध्यान रखिए, ये सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मतलब यह होता है कि फीस जो है एकदम कम रहेगी, 1 लाख पर एनम के अंदर ही फीस होगी। उसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो फैसिलिटीज़ होती है, जो फैकल्टी होती है, वो सभी अप टू द मार्क होती है, क्योंकि ये सभी गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूट है। तो आपको कोई कमी नहीं रहेगी इंस्टीट्यूट के मामले में, फैकल्टी के मामले में फैसिलिटीज़ और सर्विस अप टू द मार्क मिल जाएगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अब टोटल जो है आप देख सकते हैं 26 मेडिकल कॉलेज ऐड हुए हैं इस साल। यूजुअली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 100 से 150 के बीच शुरू होती है और धीरे धीरे अगले साल सीट इंक्रीज हो जाएगी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। 26 के हिसाब से अगर आप 100 सीट गिने तो 2600 सीट ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं इस साल। अभी जो है काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, काउंसलिंग शुरू होने के बाद काफ़ी सारे सीट्स ऐड होंगे और वो न्यूज़ भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो और ऐसे ही वीडियो और देखना चाहते हो तो नीचे जो लाइक का बटन है, जो सब्सक्राइब का बटन है, उन्हें दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।